गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में बच्चों हमने पढ़ा वर्णमाला, वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों ही चीज़ें। उसके बाद हमने अमात्रिक शब्द पढ़े, उसके बाद हमने मात्राएं पढ़ी। तो मात्राएं बच्चों आ से लेकर के हमने ए तक की मात्रा पढ़ी है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा बच्चों ये होती है आपकी, ए की मात्रा तक हमने पढ़ाया है और आज हम पढ़ाएंगे आपको ए की मात्रा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। किसका में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, कै। ना में ए की मात्रा हमने लगा दी तो क्या पढ़ेंगे, नए। पा में ए की मात्रा हमने लगा दी तो क्या पढ़ेंगे, पैर, पैर। इसी तरह से पा में फिर हमने ए की मात्रा लगा दी और यहाँ पे स लिखा हुआ है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पैसा, पैसा। अब यहाँ पे ज में ए की मात्रा हमने लगाई तो क्या पढ़ेंगे, जय। स में ए की मात्रा हमने लगा दी तो क्या पढ़ेंगे, सय। ना में ए की मात्रा हमने लगा दी तो क्या पढ़ेंगे, नय। नय, ना में ए की मात्रा लगाई तो क्या पढ़ेंगे, नय, न, नयन। यहाँ पे किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, नयन। अब आइए आप देखिए था। था में हमने ए की मात्रा लगा दी तो क्या पढ़ेंगे, थैला, थैला। क्या हुआ बच्चों, ये थैला। तो इस तरह से कुछ शब्द भी हम आपको बताते हैं। ए की मात्रा के कुछ शब्द, दैनिक, सैनिक, बैल, भैया, मैदा, मैदान। सैर, अटैची, अटैची, पैरा सूट। तो इस तरह से दैनिक, सैनिक, बैल, भैया, मैदा, मैदान, सैर, अटैची, पैरासूट। इस तरह से आपके ए की मात्रा लग करके शब्द बनते हैं। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज समझाते हैं। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, एक ए की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। किस चीज़ की, ए की मात्रा। तो ये क्या होगा, इसको सही शब्द बनाना है आपको। तो जब मात्रा लगाएंगे तभी सही शब्द बनेगा। तो इसमें आपको ए की मात्रा लगानी है यहाँ पर। ये देखिए जिन अक्षरों के नीचे अंडरलाइन है उसमें आपको ए की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। यहाँ पर हम ए की मात्रा लगाएंगे, ये ए की मात्रा हुई। तो यहाँ पर हम सा में ए की मात्रा, ये कौन सा शब्द बन गया, सै। अब यहाँ पर ठा में ए की मात्रा लगाएं, क्या हुआ, लठैत। क्या हुआ बच्चों, लठैत। ये आपका क्या हो जाएगा, मा में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, मैदान। ये आपका क्या होगा, बैल। ये आपका क्या होगा, सैनिक। अब हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये चित्र आपके दिए हुए हैं, इनको पहचानिए और नाम लिखिए। ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बुक में भी इसी तरह से आपके चित्र एक्सरसाइज दी हुई है।
तो खपरैल, ये क्या है बच्चों? खपरैल। खपरैल जैसे गांव में कच्चे मकान होते हैं तो उसमें खपरैल लगे होते हैं, ये क्या पढ़ेंगे? खपरैल। ये क्या है आपका? पैसा। तो यहाँ पर हम शब्द को पूरा करने के लिए प में ए की मात्रा लगा कर लिखते हैं तो पूरा शब्द क्या होता है? पैसा। यहाँ पर ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है? पैर। तो यहाँ पर प में हम ए की मात्रा लगाएंगे तब यहाँ पर ये भी शब्द आपका पूरा होगा, पैर। अब आइए वर्णों में ए की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए, वर्णों में ए की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर च लिखा हुआ है प्लस ए की मात्रा प्लस न, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? चैन। क्या होगा बच्चों? च में ए की मात्रा हम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? च में ए की मात्रा लगा दिया और न, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चैन। उसके बाद मा, मा में हमने ए की मात्रा लगा दी और ला लिखा हुआ तो क्या पढ़ेंगे? मैं ला। क्या होगा बच्चों? मा में ए की मात्रा हम लगा देंगे तो क्या? मैं ला। यहाँ पे हम लिखेंगे मैं ला। अब आया आपका ख, ख में हमने ए की मात्रा लगा दी, खै रात, खै रात। यहाँ पे हम लिखेंगे खै रात, खै रात, ठीक। अब आया आपका स, स प्लस व प्लस ए की मात्रा प्लस या, तो व में हमको ए की मात्रा लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे? व करेंगे, स व या। तो क्या होगा बच्चों ये शब्द? क्या लिखेंगे हम? स व या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सवैया, ठीक। ये आपके बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, एक एक्सरसाइज और आपकी बुक में दी हुई है, दिए गए शब्दों को चित्रों से मिलाइए। ध्यान से देखिए, ये तीन एक्सरसाइज हमने समझाई है आपको, ये एक्सरसाइज दी हुई है, दिए गए शब्दों को चित्रों से मिलाइए। तो आपको ये चित्र दिए हुए हैं, चार चित्र और चार शब्द लिखे हुए हैं, आपको चित्र देखकर सही शब्द से आपको मैच करना है। तो ये देखिए बच्चों, ये पैर है, तो ये पैर इसमें देखिए कहाँ लिखा हुआ, तो हम पेंसिल से ऐसे पैर पे इसको हम मिला देंगे। और फिर आपका ये तैराक, तैराक बना हुआ है, तो तैराक इसमें देखिए कहाँ लिखा, ये तैराक लिखा हुआ, तो इस तरह से हम पेंसिल से तैराक में इसको मैच कर देंगे। फिर आता आपका पैसा, फिर आया आपका पैसा यहाँ पर, तो पैसा कहाँ, ये पैसा लिखा हुआ, तो हमको इस पैसे को ऐसे पेंसिल से चित्र में मैच कर देना है। फिर उसके बाद आता आपका सैनिक, आपका आता है ये सैनिक, तो सैनिक ये बना हुआ, यहाँ सैनिक लिखा हुआ, तो इसको हम पेंसिल से ऐसे मैच कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। तो बच्चों इस तरह से सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझिएगा और बुक में फिल करिएगा। तो चलिए हम फिर से एक बार आपको ये पढ़ा देते हैं। क में ए की मात्रा लगी तो क्या होगा? कए। न में ए की मात्रा लगी तो क्या हुआ? नय। और प में ए की मात्रा लगी तो क्या हुआ? पैर, पैर। प में ए की मात्रा लगी और फिर सा आया तो क्या हुआ? पैसा, पैसा। तो यहाँ पे किस चीज का चित्र बना? पैसा। अब देखिए ज में आपकी ए की मात्रा लगी तो क्या हुआ? जय। सा में ए की मात्रा लगी है तो क्या हुआ? सय। न में ए की मात्रा लगी है तो क्या हुआ? नयन, नयन। और था में ए की मात्रा लगी है तो क्या हुआ? थैला, थैला। यहाँ पर कुछ शब्द भी हमने लिखे हैं, जैसे दैनिक, सैनिक, बैल, भैया, मैदा, मैदान, सैर, अटैची, पैरासूट। तो इस तरह से आपको ए की मात्रा अक्षर पे लगा करके शब्द आपके बनते हैं। और एक्सरसाइज भी एक बार फिर से देख लीजिए, ए की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। देखिए यहाँ जो अंडरलाइन दिए हुए हैं, अंडरलाइन हमने जिन अक्षरों के नीचे खींची है वहाँ पर आपको ए की मात्रा लगानी है, सैर, लठैत, मैदान, और यहाँ पर च, च में ए की मात्रा, चैन, बैल, सैनिक। तो ये सारी आपकी जिन अक्षर के नीचे अंडरलाइन है वहाँ पर हमने ए की मात्रा लगाई, तो ये शब्द आपके पूरे हुए हैं, सही शब्द आपके बन गए हैं। अब देखिए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए, दूसरी एक्सरसाइज।
चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये किस चीज़ का चित्र है? खपरैल। तो यहाँ पर भी जिन अक्षरों के नीचे अंडरलाइन है वहाँ पर हमको मात्रा लगा के अक्षर को लिखना था, तो ये हमने लिखा है खपरैल, पैसा, पैर। वर्णों में ए की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। वर्णों में ए की मात्रा, ए की मात्रा, सॉरी, वर्णों में ए की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर च, च में ए की मात्रा लगी तो क्या हुआ? चैन। और माँ, माँ में ए की मात्रा हमने लगाया तो क्या पढ़ेंगे? मैला, मैला। और यहाँ पर ख, ख में ए की मात्रा हमने लगाई तो क्या पढ़ेंगे? खैरात, खैरात। यहाँ पर श, व, व में ए की मात्रा हमने लगाई तो क्या पढ़ेंगे? सवैया। तो इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज हुई। और चौथी एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, जो कि हमने बताया है कि चित्र को देख करके शब्द, सही शब्द आप मैच करेंगे। चित्रों को देख करके सही से दिए गए शब्दों को चित्रों से मिलाइए। तो ये जो शब्द बीच में दिए हुए हैं उनको आपको चित्र देख करके मिलाना है। तो हमने बताया आपको ना, ये पैर है तो पैर से मैच कर देंगे, ये तैराक बनो है तो तैराक से मैच कर देंगे, ये सैनिक है तो सैनिक से मैच कर देंगे, ये पैसा है तो पैसा से, पेंसिल से मैच कर देंगे। इस तरह से आपको करना है। चलिए हम अब आपको बुक पढ़ते हैं। चलिए हम सब बुक पढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए, आपकी बुक में दिया हुआ है। आज वैभव का जन्मदिन है, वह बैलगाड़ी से आया है, वह बहुत शैतान है, पापा जी ने बैजनाथ हलवाई बुलाया, वह फैजाबाद का रहने वाला है, बैजनाथ के बनाए पकवान देख सब हैरान थे, सैलाज ने वैभव के लिए कैमरा लिया, वैभव कैमरा पाकर बहुत खुश हुआ, वैभव वैशाख माह में पैदा हुआ था, कैलाश भैया के साथ मैकू मेला देखने गया, सुरैया तथा फैजल पिताजी से पैसा लेकर गए, मेला पास ही लगा था, मैकू बहुत शैतान था, फैजल ने एक मैना देखी, सुरैया ने पैसे से कैमरा खरीदा, ततैया ने फैजल के पैर पर काट लिया, फैजल शहर के बाद पैदल घर आया। तो इस तरह से आपकी बुक में ए की मात्रा के सेंटेंस छोटे छोटे दिए हुए हैं। इसको आप समझिएगा, पढ़िएगा और ये वीडियो खोल करके देखिएगा, और एक्सरसाइज ये आप बुक में ही फिल करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।